Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. जो कि कनाडिया स्थित है, आइए यहाँ पे आज एक लिफ्ट में हादसा हुआ जिसमें एक 5 साल की बच्ची ने के सर में गहरी चोट आई है। आइए देखते क्या है पूरा मामला। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की प्लेट लगे हुए हैं, ये प्लेट एक बच्ची के ऊपर गिर गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एमसी से जोड़ा गया है। ये कितनी लापरवाही यहाँ पे बरती गई है, ये किसी की भी जान के साथ खतरा हो सकता है। आज एक 5 साल की बच्ची के हाथ का हादसा हुआ है, ये कल और बड़ा हो सकता है। आई जानते हैं यहाँ के रहवासियों का क्या कहना है इस मामले में। इंसिडेंट हुआ, मतलब कितने बजे की ये घटना है और कैसे, थोड़ा सा बताइए। ये मैं, मेरी बेटी है, स्कूल जा रही थी। उसका 12:30 का स्कूल का टाइम था, तो हम लोग 12:15 के आसपास रेडी होके, ये मेरी बेटी, इसको स्कूल ड्रेस में रेडी करके, एक छोटा बेबी 4 महीने का, इसको प्रैम में लेके हम लोग बस लिफ्ट में एंटर ही हुआ। और लिफ्ट नीचे जाते वक्त ही अचानक से लिफ्ट के ऊपर का जो है रूफ, वो एकदम हम लोग पे आके गिर गया। तो इस छोटे से बेबी को तो अच्छा था कि ये बेबी प्रैम में था, तो थोड़ा ये बचा, और इसको बचाने के चक्कर में हम दोनों झुके, तो ये बेटी को सिर पे बहुत चोट आया, उसको पूरा कट गया पीछे से। मुझे भी हाथ में चोट आई है। और उसको सिर पे टाके भी लगे। अच्छा, ये जो आपके लिफ्ट का प्रॉब्लम है सोसाइटी का, ये रेगुलर रहने वाला प्रॉब्लम है? ये रेगुलर प्रॉब्लम है। कई बार हम लोग ने कम्प्लेन की है, वो लोग काम चलाओ ठीक कर देते और कह देते हाँ लिफ्ट बन गई, लेकिन ये कई बार ऐसा हो चुका है। तो आपकी बिल्डिंग में सोसाइटी बन चुकी है अभी तक? नहीं, सोसाइटी अभी हमारी नहीं बनी है, सब बिल्डर के हाथ में है। तो कितने साल से आप लोग सोसाइटी में? अभी हम लोग तो 3 साल से सोसाइटी, 3 साल से आप लोग, लेकिन अभी तक सोसाइटी तक नहीं हुआ है। तो अभी जब ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद में बिल्डर की तरफ से या बिल्डर के स्टाफ की तरफ से कोई फोन या कोई कांटेक्ट किया आपकी तरफ? अभी तो वैसा कुछ भी नहीं हो, बिल्डर तो कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे, वो फॉरेन में है। और वैसे भी हमारी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए बिल्डर कभी आता ही नहीं। हमने लिफ्ट की कंप्लेन हर बार की है, हर चीज की सिक्योरिटी इश्यू सब चीजों की कंप्लेन की, बिल्डर कभी भी नहीं आता। उनके स्टाफ की तरफ से अभी इस इंसिडेंट के बाद कोई किसी ने कॉन्टेक्ट किया, अगली गलती हो? अभी तो नहीं किए सर, उनका ये था कि हाँ लिफ्ट ठीक है, और उन्होंने तुरंत चीज को रिपेयर करके। यहाँ पे उनका स्टाफ, यहाँ पे उनका स्टाफ कौन है, उसका क्या नाम है? यहाँ पर लीना और एक विकास, ये दो जन यहाँ पर बिल्डर की तरफ से हैं। बिल्डर का क्या नाम है? बिल्डर का नेमिनाथ जैन है ना। और बिल्डिंग का आपने क्या नाम है? नेमिनाथ हाइट्स है। नेमिनाथ हाइट्स। और आप कौन से विंग में रहते हैं? हम बी विंग में रहते हैं, 1st फ्लोर में 1-0। सोनम जी, ये जो आज इंसिडेंट हुआ, इसके पहले भी कभी इस तरह का इंसिडेंट हुआ? हाँ, ये आज पहली बार नहीं हुआ, ये ऐसा 4थी बार हमारे विंग में हुआ है। लिफ्टों का इतना प्रॉब्लम है, कई बार ये लिफ्ट की छत गिर चुकी है, लेकिन आज ये 4थी बार फिर से ऐसा हुआ। और इतना छोटा बच्चा, लेके 4 महीने का बच्चा लिफ्ट में था, वो तो ठीक है, बाय गॉड ग्रेस उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये एक चलती फिरती मौत की लिफ्ट है हमारे लिए तो। मेरा नाम पिंकी महतो है, मैं नेमिनाथ हाइट्स में सी विंग फ्लैट नंबर 104 में रहती हूँ। मैं करीबन 4.5 साल से इस यहाँ पे रह रही हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी मेंटेनेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, जहाँ पे पानी बोल रहे आप, लिफ्ट बोल रहे और सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बिल्डिंग में, जिसके मल्टीपल कंपनियों ने सोसाइटी में ये बिल्डर को दे चुके हैं, रिटर्न दे चुके हैं। इनफैक्ट हमने एक जनरल मीटिंग भी बनाई थी, जहाँ पे हमने बिल्डर को बुलाया था, और मेजर जो हमारे रेसिडेंट है बिल्डिंग के रहते हैं, वो उन्होंने भी लिखित कंप्लेन मल्टीपल टाइम दी है। करीबन मेरे हिसाब से आधा दर्जन बार हो चुकी है कंप्लेन दी चुकी है, पर हमारे पास उसके सॉल्यूशन बहुत स्लो आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजों के आ भी नहीं रहे, तो इस वजह से हमारे बिल्डिंग में केसेस बढ़ रहे हैं इंसिडेंट पे। अभी जो ये रिसेंट केस हुआ है, जहाँ पे एक छोटी बच्ची आहत हो चुकी है, तो इसपे हमें के उद्देश्य है हमारा कि नेमिचंद जैन बिल्डिंग के जो ये बिल्डर है, और जो उनके सोसाइटी के जो सीनियर पर्सन है, वो हमारी कंप्लेन देखे और उस पर जल्द से जल्द चीजें सॉल्व करने की कोशिश करें। सर, आपका नाम बताइए, आपकी बिल्डिंग का नाम बताइए। मेरा नाम दीपक मिश्रा है, और ये नेमिनाथ हाइट्स बिल्डिंग का नाम। ओके। क्या है, आज जो इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ? थोड़ा सुबह के टाइम पे मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए नीचे आई मेरी वाइफ के साथ में, 4 साल का छोटा बच्चा भी था प्रॉब्लम में, 4 महीने का। और नीचे जैसे वो लिफ्ट में आते हैं, तो 1st फ्लोर से नीचे आते टाइम पे ऊपर जो रूफ है लिफ्ट का, वो आकर के और मेरी बेटी के सर पे गिरा। बेसिकली वो बच्चे के ऊपर गिर रहा था, तो बच्ची ने थोड़ी समझदारी दिखाई और वो ऐसे लीन आउट हो गई उसको। तो लीन आउट होने पे उसके सर पे आकर के पूरा फट गया उसका सर।
और उसके बाद में मेरे वाइफ के हाथ में भी पूरा स्क्रैच आके आया है। फिर हमने उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने अभी स्टिचेस मारा है, सीटी स्कैन के लिए बोला है परसों। में कब से रह रहे हैं ये बताइए, और आपकी बिल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या किया? मेरा नाम देवन आचार्य है, मैं इस बिल्डिंग में 4 साल से रेंट पे रहता हूँ और खुद इच्छुक हूँ इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने का। बट इस बिल्डिंग में लिफ्ट से लेके, पानी से लेके, ओसी से लेके, सिक्योरिटी से लेके सब चीज का इश्यू है। ना लिफ्ट जगह पे है, ना पानी टाइम टेबल पे आता है, जो मात्रा मिलनी चाहिए वो नहीं है। बिल्डिंग में बैकअप जनरेटर नहीं है, बिल्डिंग का लिफ्ट अब सिक्योरिटी जो है वो भी सब बच्चे हैं जो सिक्योरिटी का प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। और लिफ्ट के अंदर ना सीसीटीवी कैमरा है, ना 14वें फ्लोर का कैमरा है। ये बिल्डिंग राम भरोसे चल रही है। आपने इसकी शिकायत बिल्डर से की? हमने इस बिल्डर से बहुत बार कर शिकायत। अच्छा, कौन है बिल्डर? कौन है इसका? बिल्डर का नाम है निमी चंद, निमीनाथ एंटरप्राइजेस के ओनर है वो। वही बिल्डर है यहाँ पर। शिकायत की उसका क्या रिजल्ट मिला? उसका कोई रिजल्ट, सब लेट बैक एटीट्यूड है। वो आके विकास को बोलते हैं, विकास मैनेजर का सुपरवाइजर है, रीना मैडम जो इधर की सेल्स पर्सन है उनको बोलते बस वही बात। अच्छा, इससे पहले ये लिफ्ट वाला जो इंसिडेंट हुआ ऐसा सर बहुत इंश्योरेंस होता है। एक आदमी हार्ट अटैक से बचा हुआ है, एक औरत रात को मेरे सामने लिफ्ट जो है वो 4 फीट नीचे जाके खुल गई है और दरवाजा खुल जाता है। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो मैं तो उस लिफ्ट के ऊपर जाता तो मेरा क्या हाल होता मुझे भी नहीं पता। तो कई बार इंसिडेंट हो चुके हैं बट कोई सुनने सफोकेशन के हिसाब से अगर कोई बुजुर्ग बैठते तो कल या कल चल देंगे ऊपर वैसे। सर 2016 से मैंने बिल्डर को 3 नोटिस दिए हुए कि ओसी लिफ्ट मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग का जो भी सीसी कैमरे लगाने वो आप कभी लगाओगे। बिल्डर है टोल्ड मी मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं पैसे फेंकूंगा मेरे, अगर आप लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो मैं एक पैसा खर्चा नहीं करूंगा। और मेंटेनेंस हम लोग ने स्टॉप करके रखा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स ऐसे। और मैं वो बोलता है एनडीएमसी पुलिस स्टेशन सबको मैं मैनेज करूंगा बोलता है, लेकिन मैं आपको ये सब फैसिलिटीज नहीं दूंगा। अच्छा, 1 साल का हर आदमी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस भरा हुआ है, उसके बाद में भी बिलिंग की ये आदत है। यहाँ पर हमको बड़ू समझता है, बोलता है तुमको करना करो, मैं 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। ये बिल्डर का लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट जवाब है। और बिल्डर एक एक आदमी से इंटरेस्ट भी लिया है लेकिन उसको भाड़े का 1 रुपया नहीं दिया, 5 साल लेट दिया है, लेकिन उसका 1 साल का भी भाड़ा नहीं दिया है। पचपन साल का भाड़ा बाकी एक एक आदमी का। इवन मेन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इवन ये फायर लाइन का एनओसी हमें तक अभी तक दिखाया नहीं गया। दिखा दीजिए। अच्छा।